दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आज जलालाबाद में आयोजित पंजाब मंगदा जवाब रैली को संबोधित करते हुए न सिर्फ पंजाब की कांग्रेस सरकार को घेरा बल्कि जलालाबाद के विधायक से भी सवाल पूछे। हजारों की संख्या में मौजूद अकाली कार्यकर्ताओं के हाथ खड़े करवाकर श्री बादल ने पूछा कि जलालाबाद से आप किसे चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो वर्करों ने एक सुर में आवाज बुलंद करते हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल का नाम लिया। वहीं तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सरदार बादल ने खुद ऐलान किया कि आज वे 2022 के चुनावों के लिए श्रोमणी अकाली दल के पहले उम्मीदवार का ऐलान करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे 2022 से जलालाबाद से चुनाव लड़ेंगे। इतना कहते ही पूरा पंडाल नारों से गूंज उठा। जलालाबाद हलके के श्रोमणी अकाली दल के बहादुर सूरमियों गद के फतेह बुलाओ, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जलालाबाद हलके नाल जलालाबाद हलके के लोगों मैं दिलों बड़ा प्यार किया। मैं याद है जो मैं पहली बार जलालाबाद हलके इलेक्शन लड़ने वास्ते आया, मैं पहले पिंडा च नहीं गया सी, कितने भी इस इलाके च नहीं आया सी। जो मैं बढ़िया पिंडा तुम बहुत ज्यादा प्यार दिता, इस इलाके में लोग बहुत तकलीफ सी, इस इलाके में तरक्की नाम की कोई चीज नहीं सी, सारा कुछ ही इतने बिखरिया पिया सी। पिंडा तुम कलिया बीबिया बुजुर्ग तुर नहीं सकते, पीने पानी का प्रबंध है नहीं सी, बच्चे पढ़ाई में वांझे सी, ना सीवरेज ना पीना पानी, सारा कुछ ही खराब सी। तुम याद हो मैं पहली इलेक्शन लड़िया, पहली बार मैं थोड़े पिंडा च गया तो मैं की किया कि मैं इस इलाके को ऐसा बना दूंगा कि तुम पछाड़ नहीं सकोगे। सुखबीर भी कोई सियासी लीडर बनू आया, जे साडा 7 साल कुछ नहीं होया अगे कितने होना। लालाबाद वाल मेरी जिंदगी का एक असूल है, ऐ तुसी हुण जान दिओ क्योंकि हुण तुसी मेरे परिवार का हिस्सा हो। तुहानू एक गल पता है, मैं कितने झूठे लाए नहीं लाए, झूठे वादे नहीं किए, जो किया एक एक करके मैं निशाना बनाया पूरे तरह। मैं याद है जो मैं जित के गया अपनी सरकार सी, सब तो पहला मैं कम फड़िया पीने वाले पानी का, याद करो उदो ट्यूबल बनते 25%
ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 25% ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੇਚਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬਨ 150 ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਚੀਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਊਂਗਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾ ਦਿਓ ਘੱਟ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਦੱਸੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖਜਾਨਾ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਖਜਾਨਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਐਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ ਸੀ 20 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ
अगला इलेक्शन में भी चल पाऊंगा तो मैं इतने कम नहीं हो रही। एमएलए की सोच है आईएसबी कीता की है झूठे पर्चे तुम देख लो 10 साल जो थोड़ा राज सी मैं थोड़ा सेवादार सी किसी ने झूठा पर्चा होया थोड़ू कोई तंग करवाया किसी पुलिस वाले ने थोड़ू तंग किया और मेरे नौजवान बैठे हैं तुम तो मोटरसाइकिल के बगैर नंबर से भी बदली जाते जी 5-5 साल कोई उल्टा सी ते जो सरकार गई मैं इधर थाने को टपया तक 500 मोटरसाइकिल थाने के बाद लगिया पाया सी मैं समझा कोई इधर एस एच ओ नु मेरी लोकी आए वो कहते नहीं सारे फट के अंदर कीते हैं कोई होता सी ताकत बिजली ने बिल भरते सी कि थोड़ू कोई तंग करना आता सी कोई इंस्पेक्टर थोड़े पड़े और शहर वाले बैठे है कोई इंस्पेक्टर कोई 5-10 साल जी भी मेरा प्रवास है एक इंस्पेक्टर भी पड़े थोड़े हक हूं अपना अपने अपनी राज अपनी सरकार का हक हूं आपके गल जाके पैसे किसी करके आप वोटा पा लिए तो नुकसान थोड़े सामने की होया कि नुकसान हो गया आज बैठे है और बबल बैठा जिन्हें बैठे हुए थे 11 हो गया बबू मेरे से कि होया 4 मैं तो ऐसे मेरे बुजुर्ग बैठे मेरे पूरे राज जानी अपनी वर्कर बेचारी के पर्चा देता तुझे इन्ने सारे वर्कर ने पर्चा दिता आप रहे तो तो जवाब उम्र ले तो सरकार बदली किए किए पर्चा देता जिन्हें मैं दूर दसना चाहना जिन्हें मैं जो कहना पूरा करता तो मैं तुम जवाब देके देना इस आमले में तेरे टोले को लुटेरिया हूं जवाब लुट ले देना पैना है जो सरकार वाली जवाब देना पैना है मैं एक सवाल पूछना चाहना है कि श्रोमणी अकाली दल जी 100 साल पुरानी पार्टी है जिसका इतिहास है चीजा कर सकती है और सारा प्रचार कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने किया 10-5 साल पहले उन्होंने पता सी किसान सुखबीर सिंह बादल के साथ प्रकाश सिंह बादल ने इन्ने काम किए अगले 10 साल हो रहे होंगे सारे इकट्ठे हो गए सारे चोर लुटेरे इकट्ठे हो गए और कांग्रेस ही झूठते झूठ झूठते झूठ लोगों भी गुमराह हो गए कहते तो माड़ी गल की है सब तो वही बेनती यही है जो बंदा परमात्मा की झूठी खाए सौ खाए कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन साहब थोनू उत्ते जाके जवाब देना पैना थोनू गुटका साहब की झूठी सौ खा के हाथ दंडवा साहब का करके कहता तशवीश दीदार गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी चरणा भी सो रहे कि मैं सारा कर्जा तुसी ओदी अज दिल्ली देख लो की कहता सी कि पंजाब के किसान भावो जे तुसी बैंक का कर्जा लेता है जे आज के तो कर्जा लेता है जे कोऑपरेटिव कमेटियां तो लेता है किसे मोरन की लोड़ नहीं मैं मोरूंगा क्या सी ले गया परमात्मा की झूठी सौ खा के तकरीबन 90,000 करोड़ कर्जा पिछले 4 सालों बचाया के घट पर 15,000-20,000 करोड़ ब्याज पै गया एक ही मुंडा सी जान के अपने कांग्रेसी घोड़े पर क्या एमएलए ने क्या रिश्ता कांग्रेसी लिया अपने आप थोड़े थोड़े दे दे आपकी वादा पूरा हो घर कर नौकरी घर नौकरी फॉर्म पाए गुटका साहब भी फॉर्म खाती नंबर ही नहीं हूं
लगतेमी बिना किसी 15-16 हजार कल जवालाबाद हल्के के गरीब परिवार के नीले कार्ड करते बिना किसी खर्च का सारा कुछ ही बंद। सेवा केंद्र खोले बंद कर दते, मुफ्त दवाइयां दुकाना खोलिया गरीबों वास्ते इलाज मुफ्त हो जाए बंद कर दिता। सब तो माड़ी का गल की कर देने ऐसी बच्चों असी मुफ्त पढ़ाने से कॉन्फ्रेंस 500-600 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने को दे के ऐसी बच्चों मुफ्त पढ़ाने से 4 लाख बच्चों को हर साल मुफ्त पढ़ाते कैप्टन ने आम साल बंद कर दिया। 4 साल तक गए बेचारे गरीब बच्चे पढ़ाई तो बंद हो गई, ये तो हम कटिया काम की हो सकता कैप्टन एक डटा था दो तू रह एक गांव का ही हो एक सड़क का ही हो कैप्टन साहब पंजाब मंगता जवाब आज शुरू हो रहा पंजाब का पूरे पंजाब का आपका तूफान खड़ा कर देना है। जलालाबाद हल्के तो अब तूफान बड़ा होगा पूरा पंजाब एक घर घर में जाके पंजाब की जनता कैप्टन को जवाब मांगूगी। कैप्टन साहब ते मैं कांग्रेसी चैलेंज करता है एक सड़क दस दिन जी 4 साल बनाई हुए उन्होंने एक पुल दस दिन पूरे 4 साल बनाया हुए एक कॉलेज दस दिन जी 4 साल बनाया हुए एक एयरपोर्ट वालों की 4 साल बनाए हुए एक बिजली का ग्रेड दस दो 4 साल बनाया हुए एक धर्मशाला वास्ते पैसा दिता हुआ है एक हस्पताल बनाया हुआ एक चीज जिन्हें काम थोड़े हो रहे हैं वो नरेगा दे हो रही है नरेगा दे हाँ तो नरेगा का कि बड़ा कपड़ा और जिमें कांग्रेसी है इन्होंने एमएलए कर अपनिया सीमेंट दिया फैक्ट्रिया लाई जाए टाई लाइन सारिया वीडियो रुके कि पेंडू ग्राम काम नरेगा का काम कर रहे हो जिस एस फैक्ट्री को इटा चक्कर ने एस फैक्ट्री चक्कर ने मैं कहना पहला काम किया जाऊगा सरकार तुम बना दो पहला काम यही नरेगा के पैसा जाली मंडिया मरे हुए से पैसा कढ़ा के आजादी फैक्ट्रिया इटा लगे सब तो पहले इंक्वायरी वो की जाऊगी। मैं कहना 90-95% किसान अकाली सरपंच चौदह जी अंदर जान नहीं मत मार चार साल आज जो हुए हैं पंजाब रुक गया पंजाब पिछे चले गया जिस तरीक न जिस स्पीड न असी काम कर रहे थी ऐसा सड़क बन गई थी पिंड की डिवेलपमेंट हो गई थी ऐसा चीजा हो गया सारा कुछ रुक गया क्योंकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है 4 साल अपने घरों नहीं निकलिया 4 साल तुम अखबार पढ़ लो 4 सालों में मैं आरटीआई ने कराया कितनी बार कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने दफ्तर गए 11 बार अपने 50 साल दफ्तर गया 11 बार फिर मुख्यमंत्री कि बस बनाए उन्हें गलत रोकना सी खुली छुट्टी दी है एमएलए अब तक असं एमएलए दफ्तर तक ही रहे हैं थोड़े सामने देखो बेटा पट पट के उन्होंने जाली बची जाती है शराब के जाली हरियाणा को शराब लिया लगे बची जाती है नशे वाले महीना बने बैठे आम कर रहे क्योंकि कैप्टन की खुली छुट्टी है कैप्टन ने कहा मैं तंग करो तुम जो मर्जी करो जिना मर्जी लगो पंजाब बर्बाद हो गया पंजाब को बचाने की लड़ है। मैं नहीं कहता कि सियासी भाषण में दिलों कह रहे हैं इस इंसान ने इस नुमायक मुख्यमंत्री ने बर्बाद करता पंजाब आज दिल्ली की की हालत है रेट देखो कितने बचाते जे
रेट अपने इन काफी दुगने करते कैप्टन ने हम नए टैक्स लाई जाता थोड़े मोटरसाइकिल रजिस्टर कराने 25% 30% होर बढ़ा के सारे टैक्स ला दें मोटरसाइकिलों के कारा के सारे ट्रैक्टर के सारे मैं आई अपील कहना चाहना लाला वालों सरकार तुम बना दो 5-7 चीजा मैं तुम अब जरूर अज ही अनाउंस करके गारंटी की हुई है पहला काम जी साड़ी सरकार करूंगी जे तिने कानून लागू किए कैप्टन ने काले कानून किसानी दे जे एक्ट बनाया कैप्टन ने अब तक पंजाब की सभी एक्ट बनाया पहला काम रद्द किए जाएंगे पढ़ाई मुफ्त की जाती स्कॉलरशिप सारे की जाएगी स्कॉलरशिप दी जाएगी और जी कांग्रेस के कैप्टन ने बंद की है फिर तो असि जी अभी चालू की शुरू की कैप्ट ने बात की है असि चालू करते चौथी गल थोड़े सारे बिजली के बिल घर के अद्धे किए जाएंगे अद्धे ज्यादा बार तुम तो पहले भरते ही होंगे तो थोड़ा फर्क पड़ी होगा जेडे अपने वीर सब्जियां बीजते हैं फ्रूट बीजते हैं दुध बेचते हैं थोड़ी आने वाली सरकार उसके MSP लगेगी पंजाब सरकार MSP लगेगी रेट थले भी नहीं दूंगी मैं राष्ट्रीय भाईचारे ऐलान करना चाहना थोड़ी आने वाली सरकार कमीशन सेंटर की मोदी सरकार खत्म करना चाहती है वो कमीशन पंजाब सरकार होगी सेंटर की सरकार मैं एक होर भी वादा किया थोड़े तो मैं मुकम्मल कर दिता है 12,000 पिंड है पंजाब जिन्हें जलालाबाद हल्के हर पिंड सीमेंट या गलिया नालिया पीने पानी का प्रबंध है 12,000 पिंड प्रबंध किया जाएगा अगले 5 साल बादल साहब मुख्यमंत्री सी असि अपने 5 साल 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दिखाई थी 2.5 लाख सरकारी आ कैप्टन ने 15,000 नहीं दी जो सरकार वापस आऊगी फिर तो सारिया सरकारी नौकरियां फिर तो खोलेंगे देंगी जी बनाते तो जलालाबाद वाले तुम्हें पता है पिछले बार घट घट 1,500-2,000 थोड़े थले अपने हल्के के लोग जो सरकारी नौकरी एक होर मैं कहना चाहना जिले को कोई ड्यूअल कनेक्शन नहीं है सरकार बन के पहले ही महीने में ड्यूअल कनेक्शन अपने आप ही दिता जाऊंगा किसानी की गल चल रही है किसान जथेबंदियां बार्डर से दिल्ली बैठी है तो मैं जनता मेरे मन में बैठे बैठे गल आई कि किसानी की लड़ाई किने लड़ी है तुसी किसान बैठे गरीब बैठे बुजुर्ग बैठे सारे बैठे हैं किसानी जिन्या भी सहूलत मिली है सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दी है तुम सारे जानते हो आज जी MSP सी जी लड़ाई लड़ रहे हैं MSP पहले हुंदी नहीं सी 1996 में अकाली दल ने मोर्चा लाया तो सेंटर ने मजबूर किया MSP लागू हुई छोटी अकाली दल ने लाई आज जी मंडियां पहले मंडियां नहीं हुंदियां सी और मनिया थोकर पुराना शुरू किया सा प्रकाश
सिंह बादल ने मैं आज भी अगर पूछिए कि दुनिया पंजाब बनी है किलो किलो बनी है थोड़ा कुछ ही ना दस के दसा चाहना है 90% साहब प्रकाश सिंह बादल के पांच बार मुख्यमंत्री बने बने हैं और दुनिया कसिया है दुनिया कसिया मैं तकरीबन 80% तो वह साहब प्रकाश सिंह बादल ने सरकार दौरान बनिया पहले डिब्बे होंगे थे तो पानी भी घट आता आप पक्के खाए उन्होंने साहब प्रकाश सिंह बादल ने शुरू किए आज छोटा मामला पहले मामला भरते होंगे सी बंद किया ट्यूबां के बिल माफ किए ट्यूबवेल कनेक्शन पहले बादल साहब ने दिया आप 5 साल तक के 4 साल होने के पहले 10-5 साल तक होंगे सी दसो क्यों एक भी कनेक्शन दिता सारे फैसले जिन्हें भी दिते गरीब को किसान को मजदूर को व्यापारी को हर कैटेगरी के लोगों को जो भी दिती सहूलत दिती साहब प्रकाश श्रोमणी अकाली दल की सरकार के दौरान ही होती है क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पंजाब की पार्टी है पंजाब की अली पार्टी है पंजाबियों के दुख तक जानती है कांग्रेस पंजाबियों की पार्टी नहीं है हुक्म गांधी परिवार को होने है आम आदमी पार्टी पंजाबी की पार्टी नहीं है दिल्ली को केजरीवाल हुक्म दिता है असी जोड़ा भी इतने मरना भी इतने मेरे पंजाब के वासियों पंजाब तगड़ा तां है कि श्रोमणी अकाली दल तगड़ा अपनी कौम तगड़ी तां है कि श्रोमणी अकाली दल तगड़ा तो इस करके 100 साल पुरानी पार्टी को तगड़ा रखो जे पंजाब को बचाना है ताइयो जिन्ना भी कम होए भावे एयरपोर्ट सड़कां बिजली के थर्मल प्लांट सारी थोड़ी पंजाब की पार्टी ने बनाई है कांग्रेस के तो टोपी वाले का सोच ही नहीं सकता इस करके मैं अखीर में आई कहना चाहना थोड़े ते ऐसे आमले ने बहुत दुख किया है ऐसे आमले ने बहुत धक्का किया है मेरे वर्करा ने धक्का किया है छोटे छोटे मेरे बच्चों ने अपने वर्कर ने बच्चों ने धक्का किया है हम चिंता का भी लोग नहीं मैं ऐलान करता है आमला साहब थोड़े जुल्म का हम खात्मा सुखबीर सिंह बादल करूंगा क्या करवाए हो एक हॉकी को लड़ाना चाहे हो ਸਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ।